हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में मुख्यतः चार हैं और चारों में तकरीबन फ़ी पैमाना सभी का सेम सा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हॉस्टल के चार्जेस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फीस और जो अदर चार्जेस रहते हैं, लाइब्रेरी वगैरह, ये सब मिला के ये सब इक्वल हैं। तो चलिए, मैं आपको चौधरी देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेते हुए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने जैसा कि आपको खोल के दिखा रखा है, ये CIDL SIT कॉलेज की वेबसाइट है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्यूशन फीस है वो 30,000 रुपये, ये पर सेम की नहीं, ये पर ईयर की है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फीस है 30,000 रुपये, स्टूडेंट फंड 3,000 रुपये, इसका कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं या कॉलेज के अकाउंट में जाते हैं। सेमिनार कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं होता है, ये सब एक तरह से रुपए लेने का माध्यम है। बाकी हम यहाँ पर केवल फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन मनी, किस किस चीज़ तरह की मनी मांग रखी है पता नहीं है। लैब डेवलपमेंट, इंटरनेट प्लेसमेंट, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, इंटरनेट चलाने के लिए इनके पास कंप्यूटर नहीं है। प्लेसमेंट, काउंसलिंग, प्लेसमेंट आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, 2,50,000 रुपये पर एनम, 12 घंटे की मजदूरी। काउंसलिंग, ट्रेनिंग आपको ज़बरदस्ती भेजा जाएगा। एडमिशन एनरोलमेंट फीस, एडमिशन एनरोलमेंट फीस 1,000 रुपये, ये शायद फॉर्म काउंसलिंग के टाइम आपको देनी होती है। एग्जामिनेशन फीस, ये आपकी 1,000 फर्स्ट ईयर के अलावा बाकी तीन ईयर्स में नहीं लगेगी, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फीस 1,000 रुपये पर सेम नहीं, ये आपकी सिर्फ 600 रुपये ही है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो 600 रुपये आपकी लगती है पर सेमेस्टर की, यानी कि दोनों सेमेस्टर की 1,200 रुपये। माइग्रेशन काउंसलिंग, ये आपकी 0 है, ठीक है। कंटिन्यूइंग फीस माइग्रेशन वगैरह, ये वैसे भी फर्स्ट ईयर में होता है लेकिन यहाँ पे चलो नहीं है। स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर, मैगजीन, मेडिकल, NSS, आई कार्ड एट्सेट्रा। आई कार्ड तो आपको ज़रूर मिलेगा, बाकी NSS में आपसे पौधे लगवाए जाएंगे और कोई अदर एक्टिविटी कॉलेज में नहीं उतनी। मेडिकल के नाम पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं है, कहने को एक जीप है बट कोई वो टाइम पे आपको हॉस्टल में मिलनी नहीं है। मैगजीन आप कह सकते हैं कि 2-3 महीने पुरानी आपको लाइब्रेरी में कोई ना कोई मिल जाएगी, नई एकदम अपडेट मैगजीन, जैसे मॉनसून आता है तब बारिश दिखती है तभी ऐसे ही कोई टाइम होता है। स्पोर्ट्स, यूथ वेलफेयर, आपको पूरी बीटेक की डिग्री में अगर 4 साल में से अगर 2 बार भी स्पोर्ट्स CPL वगैरह ये सब देखने को मिल जाता है तो ये आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि कॉलेजेस में आपको फंड देने के बावजूद ये सब देखने को मिल जाएगा 2 बार। मैं 3 साल से कॉलेज में हूँ तो मेरे सामने ये एक ही बार हुआ है, अभी तो कोरोना का भी बहाना है, लेकिन हाँ फीस कम नहीं होती, फीस पूरी जाएगी। तो टोटल आपका सब टोटल 40,000, ग्रैंड टोटल 42,000, तो ये आपका तकरीबन 42,000 के आसपास फीस लगती है। और जब आप नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं तो 39,800 के आसपास आपकी कुछ फीस लगती हैं, कुछ चार्जेस वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है।
और कोई री वगैरह आ जाती है तो उसके अभी तक 750 रुपये पर ईयर के हैं, सॉरी पर सेमेस्टर के हैं, 750 रुपये पर सेमेस्टर चार्ज लगता है। और अगर आपकी 3 बार में री नहीं टूटती तो आपका आई थिंक 2400 के 2200 के आसपास कोई चार्ज रहता है, बट इतना टाइम नहीं लगता वो टूट जाती है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, साथ में मैंने थोड़ा कॉलेजेस की आपको ब्रीफ इंट्रो भी दे दी है कि कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। ये फीस जो आप 42,000 देने वाले हैं ये सिर्फ बीटेक डिग्री के नाम पर है, वहाँ से आप एजुकेशन की ज़्यादा होप मत, और अपना जो भी पढ़ाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे गेट की तैयारी करनी है तो अपनी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दें, कोई ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो उसके लिए आपको वेल सफिशिएंट टाइम कॉलेजेस में मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चौधरी देवीलाल की इस वेबसाइट पर जाकर ये फीस स्ट्रक्चर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कुछ केसेस में इससे कम फीस भी लगती है, जैसे ये तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन जो TFW हो गए इनकी पर 60 सीट्स में से 3 सीट TFW वालों की होती हैं हर एक क्लास में, जो कि पंचकुला जा कर के पहले से अप्लाई करना होता है, जिसने जेई मेंस दिया होता है और TFW के माध्यम से ही जेई मेंस का फॉर्म भरा गया हो उनका, तो वो इनके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उनकी फ़ीस देख लीजिए आप, जो ट्यूशन फ़ीस हमारी लगती है उनके मुकाबले इनकी मतलब पूरे साल की 11,000 कुछ रुपए लगती हैं। और ये आपके सामने जो अभी स्ट्रक्चर खुला हुआ है ये फर्स्ट मतलब ओल्ड सेमेस्टर की फ़ीस है, 24,100 रुपये जनरल वालों के लिए, 24,600, ठीक है, 24,600 जनरल वालों के लिए। और बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे TFW में 10,200 हैं, SC ST वालों के लिए 3,500 है, और पूरे साल के लिए ये जो इवन को भी अगर मैं मिला लूँ तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए, जनरल वालों के लिए 40,000, TFW वालों के लिए 11,500 और SC ST वालों के लिए 4,500, ये पूरे साल की फ़ीस होती है उनकी। हॉस्टल फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल फ़ीस आपकी तकरीबन 10,000 सिंगल रूम की, और जो है 8,500 अभी तक तो यही है, 8,600 पर ईयर की आपकी लगती है हॉस्टल फ़ीस। मेस चार्जेस अलग से रहेंगे 90 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है, तो ये आपका डाइट का रहता है, 15 डे के आपको चार्ज लगते ही हैं पूरे मंथ में मेस के, आप खाएँ चाहे ना खाएँ, तकरीबन आपकी ये होगी 1500 के आसपास, ये आपको हर महीने अलग से पे करने पड़ेंगे, बाकी 15 से ऊपर जितने भी आप दिन खाते हैं उनकी 90 रुपये पर डे डाइट है। तो इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, ये अलग अलग सेमेस्टर्स के हिसाब से आपके सामने फीस है, तकरीबन मैंने दे ही दिया है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ट्राई करिए आपको TFW का जो है फ़ायदा मिले, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। आपको अगर नई कोई जानकारी चाहिए कॉलेजेस के बारे में या गवर्नमेंट कॉलेजेस के बेसिकली, तो मैं अपना एक्सपीरियंस के तौर पर आपको जवाब दे सकता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार।